doing with aerobic exercises, which is what we need in our day-to-day life. My Dr. Rao, senior consultant cardiologist, specialized in interventional cardiology, heart failure and rehabilitation, and director and CEO of Hridayam Heart Clinic. Our branches, head office, Bengaluru is. Nasik, we have 3 branches. We have a branch in Mumbai and Nasik. Recently, we have started 2 branches. आज अपन यहाँ पर उपस्थित हुआ है कि जगताप साहब इज फ्रेंड ऑफ माय फ्रेंड एंड चंद्रकांत पाटिल साहब कल परसों आए थे हमारे पास. सर एक छोटा अवेयरनेस टॉक चाहिए था इसे डेफिनेटली, बिकॉज ट्रीटमेंट करने से पहले अवेयरनेस इज मोर इम्पोर्टेंट. बिकॉज आप खुद आपसे आपको खुद का डॉक्टर कर सकते हो कि हमारा जरूरत नहीं पड़ना चाहिए. तो मेरा एम ऐसा है कि हार्ट अटैक्स होने ही नहीं देना है. वाई वी शुड ट्रीट the patients of getting a heart attack. तो इसको क्या करना चाहिए, इसको prevent करना चाहिए, हम कैसा prevent करना चाहिए. आज का topic is how to live happily with a cardiac disease or without a cardiac disease. जब आप heart disease के बारे में बात करते हैं तो दो important चीज अपने पास ये आता है कि one is heart attack होता है, next cardiac arrest होता है. heart attack अलग है, cardiac arrest अलग है, और ये दो डेंजरस डिजीजेस, वल्नरेबल डिजीजेस हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं. यही मेरा इम्पोर्टेंट मैसेज, ताकि आपको सबको मालूम होना चाहिए. एंड इसमें आप सबको मालूम है हेल्थ आई तो इट्स अ वेल्थ. व्हाट आई कैन से, हेल्थ इज ए वेल्थ अबव ऑल. आपको 10 गाड़ी भी रहने दीजिए, 10 बंगलों भी रहने दीजिए, 10 एकड़ लैंड रहने दीजिए, और हेल्थ नहीं है, देयर इज नो एनी यूज. सो हेल्थ इज अ वेल्थ अबव ऑल. सो अभी हेल्थ के बारे में जो टॉपिक आता है, सो WHO का डेफिनेशन ऐसा बोलते हैं कि वेल बीइंग ऑफ मेंटली, फिजिकली, सोशल बीइंग एंड एब्सेंस ऑफ ए डिजीज, ये डेफिनेशन है हेल्थ का. लेकिन इसको हम कैसे अपनाना, वो कोई नहीं बताते, कोई नहीं बोलते भी, या अपने को पता नहीं है कि टू इम्पोर्टेंट चीज है. आजकल अपना इंडिया हैव बिकम ए वेरी बिग हब फॉर हार्ट डिजीजेस, स्पेशली डायबिटीज समझो, ब्लड प्रेशर समझो, हार्ट अटैक समझो. क्यों हो रहा है ये, वाई? अदर कंट्रीज में हार्ट अटैक्स का रेशियो सर तो कम 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 होते जा रहा है, लेकिन अपना कंट्री में एवरी ईयर बढ़ते बढ़ते जा रहा है. लास्ट ईयर का सर्वे रिपोर्ट ये बताया गया है कि कार्डियक डेथ्स हार्ट अटैक की वजह से 34% इंक्रीज हुआ है. इट्स नॉट अ स्मॉल फिगर, 34% एक साल में इंक्रीज हुआ है. इसका मतलब क्या है, मतलब अब तो ये हार्ट अटैक क्यों हो रहा है. भाई दो ही पॉइंट्स में आपको मैं ये क्लासिफाई करूंगा. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट इज अपना देश में, अपनापन में लैक ऑफ एक्सेप्टेंस है, हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं. एंड सेकेंड थिंग, लैक ऑफ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन. ये दो इंपॉर्टेंट चीज विच इज कॉजिंग अस टू डाई इमेच्योरली, प्री मेच्योर डेथ्स बढ़ रहा है, स्पेशली इन द यंगस्टर्स. 25 साल के बाद में, 30 साल के बाद में, 35 साल के बाद में, मेरा प्रैक्टिस में, कैन यू एनीवन इमेजिन, 10 इयर्स का बॉय का हार्ट अटैक केस में देख चुका हूँ, एंड 16 इयर्स का बॉय का हार्ट अटैक में देख चुका. दिस इज माई यंगेस्ट पेशेंट्स इन माई टोटल करियर ऑफ 25 इयर्स. वाई, क्यों, अगर क्वेश्चन मार्क. तो एक्सेप्टेंसी, व्हाट इज कॉल्ड एक्सेप्टेंसी. जी फॉर एग्जांपल मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, सर आपको बीपी है क्या? नहीं, मेरा बीपी नॉर्मल है. आपको डायबिटीज है क्या? नहीं, मैं करेला खाता हूँ, मैं वो मेथी खाता हूँ मैं. लेकिन यहाँ पर क्या बोलते हैं, नेवर एक्सेप्ट दैट दे हैव द ब्लड प्रेशर, दे नेवर एक्सेप्ट दैट दे हैव डायबिटीज, दे नेवर एक्सेप्ट दैट दे हैव द कोलेस्ट्रॉल. दिस इज ए वेरी बिग बिग ड्रॉबैक इन आवर पीपल, वाई वी आर सफरिंग दिस. सी फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मानता हूँ कि मैं बंदर हूँ, इफ आई एक्सेप्ट दैट आई एम ए बंदर, इट्स वेल एंड गुड, आई विल बी हैप्पी फॉर फ्यूचर. इट्स वेरी सिंपल. नहीं, मैं बंदर नहीं, मैं शेर हूँ बोलता हूँ, वो शेर को लगेंगे जस्ट आई हैव टू मास्क अप ऑल द टाइम, अंडर गोइंग स्ट्रेस एवरी मोमेंट, एवरी डे, ऑल लाइफ आई विल बी स्ट्रेस. तो वाई डोंट यू एक्सेप्ट दैट, इफ आई हैव ब्लड प्रेशर, यस आई हैव ए ब्लड प्रेशर, इफ आई हैव अ डायबिटीज, यस आई हैव अ डायबिटीज, यस इफ यू हैव ए कोलेस्ट्रॉल, यस आई हैव कोलेस्ट्रॉल, इफ यू हैव एनी हैबिट्स ऑफ स्मोकिंग और टोबैको च्यूइंग और अल्कोहल, यस आई डू. So this acceptance will give the solutions for us to come out from this heart attack. So this is our main reason why in the youngsters, why in the elderly patient, we are getting this heart attacks is lack of acceptance. So I request with you all that first of all, हम accept करना चाहिए कि अपने existing comorbid factors क्या है. जब तक ये accept नहीं करते हैं, there is no any solution.
And second, the important point to come to us that lifestyle modifications. सब जने बोलते हैं सर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना क्या क्या करूं इसमें. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो सबको पसंद है डाइट खाना. बस खाना बोलते हैं पहला क्वेश्चन आपने बात है क्या नहीं खाना क्या खाना. सी फर्स्ट क्वेश्चन इमीडिएटली क्या खाना क्या नहीं खाना. सी खाना ये चीज होता है कि वी नीड ए एब्सोल्युटली न्यूट्रिशियस फूड फॉर अस व्हिच वी रिक्वायर to improve our health conditions. अगर अपने body में अच्छे nutrients, valuable food होता है, a diet होता है, तो हम इसको most of the diseases को हम prevent कर सकते हैं. कि nutrition diet क्या है sir again? Diet बोले ठीक है, भी nutrition diet क्या होता है? See, आपके पास अगर पूछे तो कितना लोग यहाँ पर early morning 8 o'clock breakfast करते हैं? Let me see, raise your hands. 8 बजे कितना लोग यहाँ पर breakfast करते हैं? Not even one. See. 9 o'clock. कितने बजे खाना खाके दोपहर का प्लीज? 1 बजे. 1, 2, 3, 4. So this is not the proper diet. अगर proper diet आप मुझे पूछे तो मैं बताऊंगा कि आप 24 hours में 6 बार खा सकते हो. 6 times you can have your proper meals. इसका मतलब और डॉक्टर बोले सुबह में 10 चपाती खाते हो एक मुर्गा खाते हो तो ऐसा नहीं होता. It's not like that. छोटा छोटा क्वांटिटीज मोर इंटरवल्स में आप 6 बार खा सकते हो. सुबह में आप जो है अर्ली मॉर्निंग 6 to 8 o'clock यू हैव समथिंग. दो बिस्किट एक गर्म पानी लीजिए बिकॉज ऑलमोस्ट 8 घंटे से 12 घंटे तक रात में फास्टिंग होता है. इसीलिए वो बोलता है कि ब्रेक फास्टिंग हुआ. वी आर ब्रेकिंग डाउन द फास्टिंग. तो लॉन्ग टाइम एम्प्टी स्टमक रखना वो ठीक नहीं होता है. एंड सेकेंड इम्पोर्टेंट चीज जो है ना, अब जब लंच के बारे में आते हैं, लंच कभी 12 बजे खाते हैं, कभी 3 बजे खाते हैं. दिस इज नॉट एडवाइजेबल अगेन. 12 बजे 1 o'clock यू हैव योर प्रॉपर लंच. 4 बजे यू हैव अगेन समोसा खाओ या बिस्किट खाओ या फ्रूट खाओ कुछ भी खाओ. ओके 6 बजे यू हैव अगेन मंकी या कॉफी. 8 बजे अंदर आपका रात का खाना कंप्लीट होना चाहिए. यू शुड बी क्लोज बाय 8 o'clock. लाइक जैन पीपल आप देखे तो 6 बजे के बाद में वो लोग पानी भी नहीं पीते. दैट इज अ वेरी 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 गुड डाइट हैबिट है. 6 बजे से 8 बजे तक अपना खाना होना चाहिए. एग्जाम्पल में अभी अच्छा एग्जाम्पल में बोलता हूँ कि हम 5-star होटल में गए, ब्यूटीफुल वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, कॉकलेट है, वाइन है, सब है. हम 10, 11, 12 बजे आते हैं लेकिन सुकून से नींद नहीं आया. हाउ मेनी ऑफ यू एक्सेप्ट दिस? 5-star होटल गया, नो होटल में गए हम लोग, लेमन ट्री में गया, वेरी गुड, हाइट में गया है वेट. तो राहुल डॉक्टर बुलाया चलो पार्टी जाएंगे, 10 हुआ, 11 हुआ, 12 हो गया. 12 बजे घर के होने के बाद कितने लोग नींद आएगा? चैन से नींद नहीं आएगा. एसिडिटी होगा, इंडाइजेशन होगा, स्ट्रेस होगा. तो क्यों, व्हाट इज द यूज? अगर 9 o'clock वही 2 चपाती खाइए, एक अंडा खाइए या कुछ सब्जी खाइए एंड 10 o'clock सो जाइए, आराम से नींद आएगा. कितने लोग एक्सेप्ट करते हैं लोग? दिस इज गुड, वेरी गुड. बिकॉज मेरे पास पेशेंट्स आते हैं. सी खाना जो है ना ब्रेकफास्ट करने के बाद इमीडिएटली हम जो है ना अपना मॉर्निंग मेडिकेशन दवा लेना चाहिए. 8 o'clock इज द फर्स्ट मेडिकल डोज है. स्पेशली फॉर ब्लड प्रेशर के लोगों के लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एंड फॉर डायबिटीज लोग इम्पोर्टेंट है. सेकेंड थिंग अभी अनदर इम्पोर्टेंट तेल विच ऑयल वी शुड यूज. मेरे पूछते सर कोकोनट ऑयल इज गुड है या सफोल ऑयल इज गुड है, सनफ्लावर ऑयल इज गुड है, राइस ब्रैन ऑयल गुड है? कौन से भी ऑयल इज नॉट गुड, कौन से भी ऑयल इज नॉट गुड. दिस इज ओनली ए मार्केटिंग बिजनेस पर्पज प्रमोशनल है. वेजिटेबल ऑयल्स आर वेरी 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 बैड ऑयल्स है. सर फिर कौन सा तेल खाओ फिर? सर तेल तो बोलते हैं कि सनफ्लावर तो वेजिटेबल ही हो गया, ग्राउंड नट ऑयल वेजिटेबल ही हो गया, कोकोनट ऑयल वेजिटेबल, कौन सा ऑयल खाओ फिर? तो एक्चुअली ये फैट्स जो चीज कॉल एज सैचुरेटेड फैटी एसिड बोलते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. जनरली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वो अपने को गुड फॉर हेल्थ होता है. सैचुरेटेड फैटी एसिड मतलब जो ठंडी में जो फ्रीजर में गट होता है वो ऑयल्स आर नॉट गुड ऑयल्स. द बेस्ट ऑयल ऑन अर्थ इज एक ओलिव ऑयल आप यूज करते हैं लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव. हाँ ओलिव ऑयल कॉस्ट इफेक्टिव है. एक लीटर वो 1200 या 1500 में उसमें भी वर्जिन ऑयल है तो वेरी कॉस्टली है उसमें. तो ओलिव ऑयल इज द बेस्ट ऑयल
फिर अपने इंडियन कोलेस्ट्रॉल को नीचे करते हैं, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, लेकिन कॉस्ट एक्सपेंसिव वजह से हम लोग यूज नहीं कर सकते। लेकिन मैं आप सबको एडवाइस करूंगा, इफ यू कैन टेक एज ए टॉनिक, सुबह में 5 ml ओलिव ऑयल लेते हैं तो वो हेल्थ बेनिफिट्स में, स्पेशली अपना हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक के बारे में वो बहुत हेल्प करेगा। ओलिव ऑयल 5 ml पर डे इन द मॉर्निंग हैज ए जनरल टॉनिक। नेक्स्ट बेस्ट ऑयल इज द कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल जैसे केरले में गए तो वो कोकोनट ऑयल से ही होता है, लेकिन टू वॉट एक्सटेंट? अगर राव सर बोले कि डॉक्टर राव बोले कि ओलिव ऑयल लीटर लीटर पिए तो हमको ये पता होना चाहिए, एवरीथिंग अंडर मॉडरेशन, एवरीथिंग अंडर मॉडरेशन। मुझे पूछे तो मैं बोलता हूँ कि मेरे पेशेंट को आप सबको देखता था क्या बोले मैं आपको सबको ये नहीं खाना वो नहीं खाना मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन एवरीथिंग शुड बी अंडर कंट्रोल, एवरीथिंग शुड बी अंडर मॉडरेशन, लाइक ए बिग विल गो। सो रिमेंबर दैट वी शुड नॉट ईट लाइक ए बिग। बट आप फल खा सकते, डायबिटिक पेशेंट है ऐसा नहीं कि आप फल नहीं खा सकते हो। सर मुझे कोलेस्ट्रॉल है, ऐसा नहीं कि आप तेल नहीं खाते हो। आपको ये पता होना चाहिए कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के लिए ऑयल खाने से या चिकन खाने से या अंडा खाने से नॉनवेज खाने से कभी नहीं बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल इसीलिए बढ़ता है कि अपने अंदर कार्बोहाइड्रेट शुगर डाइट बोलते हैं मिठाई, जिसके लिए कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। कितने लोगों को मालूम है कि कोलेस्ट्रॉल का मेन रीजन शुगर है? No one knows. Please note this point. बुक में लिख लीजिए, बुक दिया मेरे पास। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के लिए मेन रीजन है शुगर्स। इसीलिए आप देखा है तो डायबिटिक पेशेंट्स में किसी में शुगर्स कंट्रोल नहीं होते हैं, उनके पास कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा होता है, लाइक ट्राइग्लिसराइड्स कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, बिकॉज ऑफ शुगर्स। सो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के लिए शुगर्स ही मेन रीजन है। स्पेशली मैं एक एग्जाम्पल बोलता हूँ, 3 महीने के 4 महीने का एक केस है, वैसे ही टॉक दिया हूँ मैं पेशेंट्स को, वहाँ पर स्पीच पे बताया गया कि आप जितने फ्रूट्स खाते हैं उतना अपने को हेल्थ बेनिफिट्स है। एक पेशेंट था 37-38 ईयर्स पेशेंट है, तो अच्छा ठीक है 3 महीने के बाद ऐसे मेरे पास आए, फिर एक बार कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल किया तो ट्राइग्लिसराइड्स उसका आया 3500 के मिनिमम ग्लिसराइड्स। आई शॉक्ड, मैं बोला क्या कर रहे तुम, ये फ्रूट्स खा रहे हो सर? कितने फ्रूट्स खा रहे हो सर? 2 किलो या 3 किलो अंगूर खाते रोज सर। ये क्या कौन आप ही बोले सर फ्रूट्स खाने के लिए? मैं फ्रूट खाने के लिए बोला, मैं थोड़ी 3 किलो 4 किलो खाने के लिए बोला। तो ये फ्रूट्स खाने में उसमें फ्रक्टोस बोल के शुगर रहता है। हमारे पास अभी भी अपने इंडियन में फ्रक्टोस टेस्ट अभी भी नहीं होता है, सुक्रोज भी नहीं होता है, सिर्फ अपन ग्लूकोज ही करते हैं अभी, अपने पास इक्विपमेंट भी नहीं है उसमें मेजरमेंट करने के लिए। तो ये फ्रक्टोस ये सुक्रोज ये अपने बॉडी में जाने के बाद में क्या होता है, लिवर में जाते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल बनता है। वो कोलेस्ट्रॉल बन के पहले लिवर में स्टोर होता है, इसका भी एक लिमिटेशन है, उसके बाद भी वो कोलेस्ट्रॉल जाएगा किधर? तो बॉडी में अब्दोमेन में जहाँ जगह मिले वहाँ जाके ये फोल्ड्स होके कोलेस्ट्रॉल बढ़ते रहते हैं। सो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के लिए मेन रीजन इज शुगर डाइट। तो राइस डाइट है, प्लेन व्हाइट राइस इज मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर कोलेस्ट्रॉल। ब्राउन राइस इज वेरी गुड इन कंट्रोलिंग ऑफ कोलेस्ट्रॉल बिकॉज उसमें शुगर्स, ब्राउन राइस मतलब टोटली राइस ब्राउन है, कलर ब्राउन है, ये मेक दिस डिफरेंस। आई एम आस्किंग दैट, आई एम टेलिंग दैट ब्राउन राइस नॉट कलर्ड ब्राउन राइस, तो दोनों में फर्क है। सो ब्राउन राइस आप एक कप भी आप सुबह में 8 बजे लेते हैं वो बहुत अपने को हेल्पफुल होता है। अनदर इम्पॉर्टेंट डाइट में सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन। सॉल्ट अभी जो गाइडलाइंस बताते हैं कि हमको सिर्फ 3 grams ऑफ सॉल्ट पर डे, सिर्फ 3 grams ही सॉल्ट हम ले लेते हैं, लेकिन आपके पास 3 grams सॉल्ट कितने लोग लेते हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स। कोई भी नहीं होटल गए तो फर्स्ट अपने हाथ में कौन सा आता है? टेबल सॉल्ट आता है अपने पास। ये अपने इंडियन से फैशन है, पहले सलाद उसके ऊपर सॉल्ट डालो, वो जो भी डिशेज खाते उसके अंदर सॉल्ट डालो, पहले अपने हाथ जाता है कि टेबल सॉल्ट। सो ये टेबल सॉल्ट ऐड ऑन का जो भी है हम इसको 100% बंद करना चाहिए, इसे हम जो है ना ब्लड प्रेशर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो दो इम्पोर्टेंट तीन इम्पोर्टेंट चीज है, आपको राइस को कम करना पड़ेगा, तेल में जो से भी तेल खाइए बट ओलिव ऑयल इज द बेस्ट ऑयल, एंड आप कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हैं वो भी द बेस्ट है, बिकॉज कोकोनट ऑयल विच हैविंग लॉट्स ऑफ एंटी बैक्टीरियल का एक्शन उसमें अंदर है, विच हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द वेरी गुड गट हेल्थ। कोकोनट ऑयल का मतलब लिटिल लिटिल नहीं पीना चाहिए, अगर इसे बैड भी है तो लिमिटेशन में खा सकते हो। सेकेंड थिंग, हर मील पे आप एक फ्रूट खा सकते हो, ब्लड प्रेशर वाले भी हो या डायबिटिक पेशेंट वाले भी हो या दूसरे एनी प्रॉब्लम हार्ट पेशेंट भी हो, कौन से भी एक फ्रूट, एक केला खाइए, एक सफरचंद खाइए, एक दानिम खाइए, एक फ्रूट एट 1 meal टाइम में आप खा सकते हैं, लेकिन 2 सफरचंद नहीं है,
दो दानिम नहीं है, दो शतरंज नहीं है, चार केला नहीं है, लेकिन अब एक केला एनी वन फ्रूट वन विथ वन टाइम ऑफ मील्स आप बिल्कुल खा सकते हैं। थर्ड थिंग इज सॉल्ट, जितना हो सकता है उतना सॉल्ट को हम कम करने चाहिए। दिस इज अबाउट द डाइट। तो सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग, अपन ये डायबिटीज को हो, ब्लड प्रेशर को, हार्ट अटैक को सेकंड प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, नाउ कम टू द पॉइंट इज स्लीप। वेरी इंपॉर्टेंट, जो सबको पसंद है सोना, बस सुबह से 10 बजे तक सो जाएंगे, रात को 12-12 तक उठेंगे, फिर बस फिर 2 घंटे में सोएंगे। स्लीप इन एक्चुअली अपने को मिनिमम 7 to 8 hours स्लीप इज मैंडेटरी है। आपको अगर बीमारी नहीं होने चाहिए तो भी 7-8 hours होने चाहिए। अगर बीमारी होने के बाद फर्दर कॉम्प्लिकेशन के जाने नहीं चाहिए तो स्लीप इज वेरी 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 मैंडेटरी है। 7 घंटे से 8 घंटा का स्लीप इज मैंडेटरी है। मैंडेटरी मतलब मैंडेटरी है, मतलब कम सोने के। अभी आजकल मॉडर्न लाइफ में जो है ना, हम हमेशा देखो स्क्रीन टाइम, मोबाइल देखो, नहीं तो कंप्यूटर देखो, लैपटॉप देखो, नहीं तो टीवी देखो। सो स्क्रीन टाइम 24 hours में एवरेज रिसर्च चली गई, 8 घंटे अपन जो है ना मोबाइल पे स्क्रीन देखते बैठे, दैट इज वेरी बिग ह्यूज टाइम। सो ये कंटिन्यूस जो स्क्रीन टाइम स्पेंड करते हैं, दैट लीड्स टू वेरी बिग डिप्रेशन। तो अगेन डिप्रेशन इज इटसेल्फ अ रिस्क फैक्टर्स फॉर ब्लड प्रेशर बढ़ाओ, डायबिटीज बढ़ाओ एंड स्टिम्युलेटिंग फॉर ऑल अनवांटेड कॉम्प्लिकेशंस है। तो कितना जल्दी हम सो सकते हैं, आइडियल टाइम इज 9 to 10 में सो जाना, मॉर्निंग 5 को इज द बेस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, स्लीप हो जाए। सो स्लीप इज 7 to 8 hours इज मैंडेटरी। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्सरसाइज। आज के जमाने में, आज का मॉडर्न लाइफ, पश्चिम मेरे पास एक 11 साल बॉय है, उसका वेट इज 127। कैन एनीवन इमेजिन? पश्चिम संडे 127 kg से बॉय 11 स्टैंडर्ड है। कह रहे कुछ भी नहीं स्कूल जाना, घर में आकर सोना, टीवी देखना, स्कूल जाना, बस आके टीवी देखना, सोने, बस कुछ भी नहीं। सो इम्पोर्टेंट थिंग इज एक्सरसाइज, स्पेशली व्हेन आई टॉक टू यू, ऑल यू पीपल एंड मेंबर्स, आई पे एक्सरसाइज टू डू समथिंग। सो एक्सरसाइज अपने को जो है आप कौन से भी कर, ये एक्सरसाइज करना, वो एक्सरसाइज करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मिनिमम 20 मिनट से 30 मिनट तक आपका अपने लेवल में आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मल वॉकिंग कर सकते हैं या स्पीड वॉक कर सकते हैं या ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, जो अपना बॉडी आप लोगों को परफेक्ट करना है, दैट वॉकिंग इज सफिशिएंट फॉर मी। इतने ही बोलता हूं आज मेरे पेशेंट को, दो सर और आउट आफ्टर 2 राउंड मारा तो मैं 4 राउंड मांगा, इसमें कॉम्पिटिशन नहीं, देयर इज नो एनी कॉम्पिटिशन इन दिस थिंग। अरे सर, सर ने जो है 8 राउंड किया तो मैंने अभी 4 ही किया, अभी 4 बाकी है। सिर्फ 20 मिनट से 30 मिनट तक आपका सिंपल नॉर्मल वॉकिंग मेरे लिए सफिशिएंट है, विच विल प्रिवेंट फ्रॉम ऑल अदर डायबिटीज, समझो ब्लड प्रेशर, समझो हार्ट अटैक को प्रिवेंट कर सकते हैं। या अगर ऑलरेडी आपको डायबिटीज है या ऑलरेडी आपको ब्लड प्रेशर है या हार्ट प्रॉब्लम है, सो बीपी कम करने के लिए हेल्प करेगा, शुगर्स कम करने के लिए हेल्प करेगा, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए भी हेल्प करेगा। एंड अदर इम्पॉर्टेंट थिंग आज मैं आपको बताऊंगा, जितने लोगों यहाँ पर थायराइड प्रॉब्लम है, तो आपका मॉर्निंग एक्सरसाइजेस आपका थायराइड नॉर्मल लाने में बहुत हेल्प करता है। आपको आपका डॉक्टर कभी बताया, आपको आपका टीटी डॉक्टर बताया आपको? नहीं। थायराइड से एक बात में बोलकर एक्सरसाइज में, अगर ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज है या कोलेस्ट्रॉल से हार्ट डिजीज है, ये सब डिजीजेस आर रिवर्सेबल डिजीजेस, हम भी वापस नॉर्मल ला सकते हैं। ये सब डिजीजेस हम नॉर्मल ला सकते हैं। अपना जो गोलियां बीपी के लिए 2-3 गोलियां है, रेगुलर प्रॉपर एक्सरसाइजेस करने से वो 2 का 3 हो सकते हैं, 2 का 1 हो सकते हैं, 1 भी बंद हो सकता है। तो ये डिजीजेस आर रिवर्सेबल डिजीजे, हम फिर नॉर्मल सीखो हम ला सकते हैं, इंक्लूडिंग द थायराइड प्रॉब्लम। और थायराइड का हार्मोन्स अच्छा सीक्रेट होना बॉडी में, तो अपना मॉर्निंग एक्सरसाइजेस बहुत हेल्प करता है उसे, ताकि अपना गोली भी हम बंद कर सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक्सरसाइज अपने कंपल्सरी चाहिए, आपको क्या बॉडी को जमता है वो कर दीजिए, बस यही करना बोल के वैसा, देर इज नो एनी रूल, देर इज नो एनी रूल। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ट्राई टू अवॉइड अनवांटेड पीपल। मेरे पास पेशेंट बोलते सर, चंद्रकांत पाटिल बोले कि बीपी का गोली शुरू करो, जितने के बाद गोली खाना है,
जब सब सर बोलते हैं डायबिटीज गोली खाए तो जिंदे लोग डायबिटीज गोली खाने के, ऐसा भी आपका डॉक्टर आपको क्या बताते हैं, आपका डॉक्टर आपको क्या सलाह देते हैं, आप अपना डॉक्टर को फॉलो करिए, ये इम्पोर्टेंट थिंग है। फर्स्ट यू बिलीव योर डॉक्टर एंड आपका डॉक्टर आपको क्या बोलते हैं वो इम्प्लीमेंट कर दीजिए। ऐसा ऐसा कोई रूल नहीं है कि डायबिटीज बोलने शुरू किया तो डायबिटीज जिंदगी भर खाने रखना पड़े, जिंदगी भर तो आप खाना खा रहे ना, फिर जिंदगी भर खाना खा रहे ना अभी तक क्या चलेगा सर? बराबर वी कैन रिवर्स लाइक बीपी शुगर रिवर्सल ऑफ डायबिटीज के लिए आई कैन से अवॉइड, मीन्स डॉक्टर साहब ने तो बताया शुगर, अवॉइड द शुगर एंड गेहूँ, मीन्स व्हाट आई नो गेहूँ खा सकते हैं आप इंडिया में बढ़िया बजट से, राइस राइस कम करें उसमें ब्राउन राइस में आइए आप, और मिलेट्स बाजरा है, रागी है, यो है, इसमें शुगर इंडेक्स बहुत बहुत कम रहता है, बहुत कम रहता है शुगर इंडेक्स। आप राइस खाते हैं तो शुगर बहुत बढ़ता है, राइस का मतलब पोहा भी राइस ही है, उपमा भी राइस के प्रिपरेशन आते हैं, जो का उपमा इज वेरी गुड है। तो दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट है। नेक्स्ट इम्पोर्ट ट्राई टू अवॉइड ऑल अनवांटेड पीपल, अनवांटेड आइडियोलॉजी को ये कान से सुन के एक और से निकाल दें। Always try to live with the positive minded people. Always try to live with the like minded people. अगर मेरा चंद्रगत पल अगर नहीं जम रहा है वो उधर जा रहे हैं, मैं इधर जैसे बेस्ट में ट्राई टू अवॉइड। स्टार्टिंग में बोला कि एक्सेप्टेंस, अगर मैं बंदर हूँ एक्सेप्ट किया तो आई विल बी हैप्पी लाइफ लॉन्ग, दैट ए बंदर नहीं मैं शेर हूँ बोले तो लाइफ लॉन्ग आई विल बी लिविंग द स्ट्रेस। सो ट्राई टू अवॉइड द अनवॉन्टेड पीपल from our circle. That is another important way to protect ourselves from all this कार्डियक डिजीजेस। एंड नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि अपना मेडिकेशन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है। अभी हमारे पेशर में 12 बजे खाता हूँ सर, मैं खाना जब 12 बजे डायबिटीज गोली खाता हूँ या बीपी गोली खाता हूँ, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग है। बीपी जो है ना 3 बजे से बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है, 3 o'clock तो एक बढ़ता है, 4 o'clock और पीक में जाता है, 5 o'clock 6 o'clock तक अपना बीपी लेवल्स बहुत हाई शूट अप हो जाते हैं। सो बीपी गोली को आप कितना जल्दी खा सकते हैं तो उतना जल्दी बीपी को अपन नॉर्मल ला सकते हैं। तो उसका फंडा ही वही है, शायद आप सब जन एक्सपीरियंस हुआ होगा या सुने होंगे हार्ट अटैक्स रात 3 बजे या 5 बजे 4 बजे हुआ है, सर बाथरूम गया बाथरूम में डेथ हुआ है, बिकॉज ऑफ दिस अर्ली मॉर्निंग आवर्स में ब्लड प्रेशर जो है ना बहुत बढ़ता है। इसीलिए बीपी का दवा आप लोग कितना जल्दी बीपी का गोली लेते हैं उतना अपन हार्ट अटैक से हम दूर जाते हैं। कितना लोग यहाँ पर 8 बजे बीपी गोली खाते हैं प्लीज? एक आदमी 8 बजे तक हम यही रहते हैं। तो गोली ला लेना, हाँ यही तो मैं बताना चाहता हूँ। बीपी गोली के लिए खाना खाओ या ना खाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपको अच्छी बात 8 बजे तक यहाँ ही रहते हैं, दैट्स गुड। अपना दवा लेना है आपको, थोड़ा वाटर बॉटल लो या थोड़ा एक केला लेके आओ। जैसा मैं बताया कि एक टाइम में आप एक फ्रूट खा सकते हो, यहाँ ही बैठ के केला खा के सुबह का गोलियां डाल के घर को जाइए। तो 11 बजे 12 बजे दिस इज नॉट एट ऑल एडवाइजेबल फॉर ऑल द एल्डरली एज। एंड वन मोर थिंग्स, ये इंपॉर्टेंट थिंग मैं बताऊंगा, ये मेडिकेशन में एल्डरली एज ग्रुप में बीपी नेक टू नेक नहीं लाना चाहिए। हाँ 110 पे ये की है या 120 पे ये की नॉर्मल बीपी बोला है, उतना एक्यूरेसी नीचे लाने का जरूरत है एल्डरली एज ग्रुप में, क्योंकि एल्डरली एज ग्रुप में ब्लड वेसल्स जो है ना थिक हो जाता है, ठीक हो जाके इसका साइज इतना रहने का साइज है वो साइज छोटा छोटा बारीक हो जाता है। इसीलिए इन लोगों में ब्लड प्रेशर कम किया तो ब्रेन तक ब्लड प्रेशर नहीं पहुंचता है या पांव तक ब्लड प्रेशर नहीं पहुंचता है, उसका नेक्स्ट अनदर कॉम्प्लिकेशन डिजीज होता है। इन लोगों को थोड़ा बीपी ज़्यादा ही रहना, 130 पे 80 और 140 पे 80 ये बीपी इनके लिए ठीक है। ऐसा पूछे तो देर इज नो एनी नॉर्मल ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर डॉक्टर राव का अलग है, चंद्रकांत पांडे अलग है, जगदा पांडे का, सबका अलग अलग बीपी है। मेरे पास थोड़े पेशेंट्स आते हैं 170 भी रहता है, 180 भी रहता है, 190 भी रहता है, पेशेंट को सिम्टम्स ही नहीं है, ठीक है उनके लिए वो बीपी नॉर्मल हो सकता है, लेकिन वो सेम बीपी डॉक्टर राव को नॉर्मल नहीं हो सकता है, सेम बीपी इट इज नॉट नॉर्मल टू चंद्रकांत पांडे। सो हर एक इंडिविजुअल का एक एक बीपी अलग अलग होता है, पहले हम वो बात सोचना चाहिए। एंड बीपी एक ऐसा चीज़ है कि अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करते हैं या ट्रीटमेंट नहीं करते हैं,
इसका कॉम्प्लिकेशंस बहुत बैड इफेक्ट्स होता है, एक हार्ट के ऊपर होता है, एक ब्रेन के ऊपर होता है एंड किडनीज के ऊपर होता है. एंड ये थ्री मेन इम्पोर्टेंट है, अगर तीन ऑर्गन्स अगर इन्वॉल्व हो जिसको मल्टी ऑर्गन डिजीज बोलते हैं, ताकि वेयर वी लैंड अप इन डिफरेंट अदर प्रॉब्लम्स है. सो ये सिंपल बेसिक टिप्स में दिया गया हूँ. इसमें वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आपका रेगुलर मील्स इन टाइम स्मॉल क्वांटिटी 6 टाइम्स आप खा सकते हो. बट एक टाइम में राउंड अप कर बोला कि सुबह में मैं एक 6 केला खाता हूँ, वो रॉन्ग है. एक केला खाइए या दो इडली खाइए, सफिशियंट मॉर्निंग. ओके, सेकेंड थिंग, सॉल्ट जितना कम कर सके तो उतना हाई बेनिफिट्स अपने को मिलता है. थर्ड थिंग इज, अगर ऑयल पूछे तो आप कौन से भी ऑयल लीजिए, बट इन मॉडरेशन है. एज ए टॉनिक ओलिव ऑयल 5 ml पर डे आप कच्चा ही ले सकते हो, कच्चा ही ले सकते हो. 5 ml ओलिव ऑयल helps us a lot. एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग ये बताओगे खाने में आपको मशरूम्स, कितने जानते हैं मशरूम्स? मशरूम्स भी, यस, वेरी गुड, वेरी नाइस. आप दो भी अगर मशरूम्स आप खाते हैं तो एक मशरूम से हाई फाइबर डाइट है, हाई न्यूट्रिशियस डाइट है. तो दो मशरूम मतलब 20 grams का मशरूम्स आप लोग रोज भी खा सकते हो. वो हार्ट डिजीजेस के लिए, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सो दो मशरूम्स आप लोग रोज खा सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन. एंड आप तो जो है ना सलाद में भी डाल सकते हो या पकवान में भी डाल सकते हो, कच्चा खा सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है. नो इश्यू, नो एनी इश्यूज. तो दो मशरूम्स हेल्प्स अस ए लॉट. एंड स्लीप, जैसे बताया गया कि 7 to 8 hours का स्लीप अगर नहीं आए तो भी गोली खा कर भी सो जाओ बस. बट मुझे जो है 7 to 8 hours का स्लीप इज मैंडेटरी है, ताकि इट्स हेल्प्स अस ए लॉट. सो दीज आर द फ्यू टिप्स हम फॉलो करते हैं. So we can live very healthy. Once if we are healthy, we are very happy. Once we are happy, our life goes to the 100 years. Thank you. Thank you very much. Thank you. I will just take the last place of Parkinson's. Sir, Parkinson's is a brain degenerative disease. इसके जो है ना सिर्फ हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है. एक ट्रीटमेंट आया है इसके लिए कि ब्रेन सर्जरी एक है, लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव होने से हम लोग नहीं कर पा रहे हैं इसको. लेकिन जो आपका ट्रेमर्स 100 times एक घंटे में हो, तो हम उसको 30 ला सकते हैं, 20 ला सकते हैं, 10 ला सकते हैं. एसीटोन इज मसल रिलैक्सेंट है, एसीटोन. हाँ, रूपा भी ले सकते हो, वो भी गुड है. या सिंडोपो प्लस भी हम ले सकते हो, सिंडोपो प्लस भी ले सकते हो. हाँ ठीक है, देखते हैं सर इसको और कुछ करने. ऐसा मैं बताया, इसे डीजेनरेटिव मतलब जो आफ्टर 60 years में इसे ब्रेन डीजेनरेटिव सबको होता है, इस नॉट आपके लिए नहीं, वो सबको होता है. वो एब्सोल्युटली न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है. Sir, use this this one, because this voice is getting echo. Hello? Sir, please, this is the face-to-face interaction. Anyone puts questions, I will come to you. Sir, regarding... Ajun, konala kahi shanka astil kahi vichar ko sir, kahi te vichar ko shakka. Sir, it takes a little explanation for the question. Does it have a direct sugar to our body, or it has fructose, and fructose has no sugar? Give an explanation of that. सर, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन. सर, जैसा मैं स्टार्टिंग में बताया कि शुगर तीन प्रकार का होता है, एक फ्रक्टोज होता है, एक सुक्रोज होता है, एक ग्लूकोज होता है. फ्रूट्स आर वेरी मच बैड फॉर डायबिटिक्स, मैं बोलता हूँ कि ताकि हर फ्रूट में फ्रक्टोज बहुत ज्यादा रहता है. इसका मतलब डॉक्टर अभी तो बोले कि हर मील्स में एक फल खाओ, आप बोले अभी बोलता है कि इसमें फ्रक्टोज रहता है, शुगर बढ़ता है. यस, मतलब अगर आप अंगूर खाना चाहते हो, एक कप ऑफ अंगूर खाइए, एक कप ऑफ अंगूर खाइए. अगर आप पपाया खाना चाहते हो, एक कप ऑफ पपाया खाइए, ना पूरा पपाया नहीं खाना चाहिए. अगर कोई सीताफल खाते हो, एक सीताफल खाइए. एंड इस पर डायबिटिक्स वाले एक इम्पोर्टेंट चीज याद रखना चाहिए कि अगर उनके किडनी का प्रॉब्लम है, अगर दे है द किडनी डिजॉर्डर, रीनल फेलियर बोलते हैं, नेफ्रोपैथी बोलते हैं, हम डिफरेंट सब एक ही है. वो लोग जो है ना, जो अम्बट है, संतरा है, या मौसम्बी है, या नींबू है, और आम है, कच्चा आम, वो चीज को हम कम करना चाहिए, बिकॉज उसमें पोटेशियम ज्यादा रहता है. वो पोटेशियम ज्यादा रहने से रीनल फेलियर पेशेंट ऑलरेडी पोटेशियम बढ़ता है, वो एड ऑन होता है. आप कौन से भी फूड खाइए सर, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन. इफ यू आस्क मी, मैं अपनी जिंदगी में सब बंद किया तो भी खाना क्या है, बोलिए आप.
तो एक टाइप एक फ्रूट आप बिल्कुल खा सकते हो, एक केला बस, ग्रेप्स मैंगो।